तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई हरियाणा में इलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन जो चीज़ नहीं चल रही वह है नौकरी। नौकरी उड़ी खड़ी है। वो तो भाजपा ने कहा, हमने तो भाई 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में नौकरी दे ली। हिसाब लगावा ना तो 2019 के बाद तो मैं नू नहीं सुनी कौन कौन सी बड़ी नौकरी है दी। तो है नाट भी नहीं सकता पर मैं कौन कौन सी नौकरी दी गई है नू भी नहीं बेरा भाई। और विपक्ष है वो अपनी तरफ से अंगाला रहा है, सरकार अपनी तरफ से अंगाला रही है, और जो बालक हैं मैं बीच में पिस रहे हैं। दो राजनीतिक दो जोटे लड़ा रहे भोजने की साथ, वह समस्या है। मेरे साथ ही यहाँ पर भाई हैं। फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ, इतनी बड़ा सा बढ़िया सा ऑफिस, भाई ऑफिस में पीसा ला रखा है। ये ऑफिस है दीपक लाठर का, DSL अकेडमी। और आज उनकी अकेडमी पे आ रहे हैं TGT के भाई। इब कई जना ने तो जब हम लोगों तक मिला है ना, उन्होंने कहा TGT की भर्ती है। उन्होंने कहा TGT की भी कौन सी भर्ती हो भाई, साइंटिस्ट हो के भाई? सिंपल सा बता दूँ, मास्टर की भर्ती है। और उस भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। लॉजिकल देखा तो किमें समस्या नहीं, और उलझान वाली बात पर अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो मेरे गले इतने सारे भाई बैठे हैं, हमारे दीपक लाठर जी बैठे हैं, भाई साहब राम राम। एक हमारी छोटी ही बेबे भी बैठी है, दो तीन भाई और दो तीन बेबे और थी, वे बहुत दूर दूर से थी, वे अपना जंग अपनी अपनी जगह चली गई। या बेबे है या अभी थोड़ी देर में चली जाओगी। इनकी थी पद यात्रा। भाई साहब एक बार यू बैनर सा दिखाइयो आपकी टी शर्ट पे, पैदल यात्रा कोसली से पंचकुला TGT 74-71 अध्यापक भर्ती पूरी करो। देखो भाई ये मेरे वो भाई बहन हैं जो पैदले पैदल पैदले पैदल पूरा जोटा मार रहे हैं। अब इनके पैदल भर्ती से फायदा क्या होगा बेरा नहीं। सरकार इनकी भर्ती के कारण चली जाओगी के बेरा नहीं। विपक्ष वाले इनकी भर्ती अटक रही है तो आ जाओगी के बेरा नहीं। लेकिन इनके माँ बाप तक पूछो, इनके बड़का गला के बन रही है। जो आदमी घर एसी तले बैठा है, और जो मैं अपोजिट वर्ड बोल लूँ अपोजिशन के, जो इनके तो मान ले 80-85 नंबर हैं, और जिनके 50-60 नंबर हैं, मैं तो नूचा हूँ इनकी भर्ती ना हो, भले ही TGT के हों, जिनके 50-60 नंबर हैं वे नूचा उनकी भर्ती ना हो, तो इन तीन चंदा चोर भी कह दे हैं। समस्या कई डाल है, चंदे चोर बतेरे हुए भी हैं, लेकिन अगर मैं इनसे पूछ लूं पीछे कितने इकट्ठे हुए, कितने पीछे इकट्ठे हुए भाई साहब? 22,000 रुपये आए थे जी हमारे। 22,000 इवन 10-12 बालक सारा दिन पैदल चल रहे हैं, 22,000 रुपये इकट्ठे हो गए, तो उसमें के चंदा चोरी हुआ है? मुंह है किसी का पकड़ा नहीं जंदा, और पकड़ ले हैं फिर उनको होगा भाई साहब ओड़े मेरी मजबूरी थी बोलना। समस्याएं घनी रही हैं, फंसेंगे ये सिर्फ ये बालक। सरकार के फर्क नहीं पड़ रहा, अपोजिशन का फर्क नहीं पड़ रहा, साथ है इनकी। पढ़े लिखे ये कोचिंगा पे गए, कोचिंगा पीछे गिरे, फिर ये लाइब्रेरी में पढ़े उड़े पीछे गिरे। माँ बाप इतनी पीछा गिरता है, आओ हमारा बालक नौकरी लाग जाए, नौकरी लाग जाए 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी, और कई लाखों रुपए अगर हिसाब लगाओ ना, 55 साल तक कई करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्चा हो चुका है सब पे। अगर उन पीछे ने बचा के माँ बाप पढ़ाई पढ़ुई सब सौदा छुड़वा के बचा के अगर उन्होंने FD कर देना, तो जितनी की नौकरी खातरी भी तैयारी करें उतने का तो ब्याज तंगी के द्वारा आ जाता। लॉजिकल है, बिजनेसमैन अलग तरीके से सोचा है। अब मैं यूं कहती हूँ दया भी आवे है, फिर एक आधा कमेंट मेरे को होगा भाई तू इनके हक में नहीं, तू हमारा रोजगार खाओगा इसलिए ये बात कर रहे हैं। इब लड़ाई तो का तो मेरा इतना ब्यूत है नहीं भाई, थारे गले जूत पुजा रही हूँ, क्योंकि समस्या इनकी है, करना सरकार ने है, अपोजिशन ने अपनी दाल रोटी सेकनी है। मेरे नू है चैनल है, वीडियो बना दूँ, 5-6 लाख लोग जुड़ रहे हैं, कितियाँ किसे सरकार के दिमाग में आओ तो इनके बारे में सुन ले। घना ही बोल गया, क्योंकि परेशान है ये, इनका दुख दर्द समझा तो भाई बोलिया जावा है। दीपक लाठर जी यहाँ से बात करांगे, और फिर इन सब से पहले बेबे से बात कर लें। बेबे राम राम। नमस्ते सर। कहाँ से हो? हिसार से सर। भाई कोसली से या पैदल या पद यात्रा शुरू हुई थी, हिसार की हमारी बेबे है और अभी जींद में है। घर में कौन कौन? मैं, मेरा भाई और माँ, दादी अभी एक्सपायर हुए हैं। आपका एक भाई है, हाँ, माँ है, हाँ, पिताजी नहीं है। समस्या समझो, गणे राय है, एक राय नहीं है।
इनके अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में भी पूछूं तो किसे का बाप कोई जज नहीं लग रहा है, कोई मंत्री को नहीं, क्योंकि सारे गरीब परिवार तो है ना। अगर जज होंगे कोई मंत्री होंगे अब तक तो नौकरी भी लग जाते, और नहीं तो फिर जज का बेटा, जज और मंत्री का बेटा, मंत्री वही नेपोटिज्म चलता। फिलहाल बैठ के इनते बतला लिया भाई साहब, थोड़ा सा धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाए और मैंने बैठने की जगह दे दो भाई मेरे, बैठ जाए वो गद्दी से उठ जाओ देख ले। हाँ नहीं नहीं उठा तो बैठा दे उसने। सर जी राम राम। राम राम सर, राम राम। इन गले बैठे थे आप, पूरा जोटा मारो दे बात का। हाँ ये बात आपने दिखी सर, मेन मुद्दा तो ये हुआ है कि भाई अभी ये बेचारे, क्योंकि आपने पता है कि काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ ने, अब कुछ भर्तियाँ तो ऐसी हैं जिन बाबत हर भर्ती पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब इन मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनका ग्रुप डी में भी नाम आ रहा है, जबकि इन ग्रुप डी की चाहिए नहीं। ईवीएम टीजीटी का अगर मैटर सोल्व होते हैं ग्रुप डी की जगह छूटे, वहाँ पर कोई जिसको ज़रूरतमंद है नंबर आवे, ऐसे ही बहुत सारी भर्तियाँ ग्रुप 56-57 ग्रुप सी बहुत सारी हैं ऐसी जिनका मुद्दा अटका पड़ा है। फिलहाल ये बच्चे जो हैं कोसली थे, ये मेरे भाई हैं, बहुत सारे मेरे तो बड़े भी हैं, तो ये चल रहे हैं कोसली से पैदल पंचकूला में, ताकि लोग ये समझें कि इनका दर्द क्या है। और अब ये जुलाना, कल इनका जुलाना स्टे था और अब ये जींद में एंट्री करी है, तो अपना मैंने इनका स्वागत किया भाई चाय पानी खाना टाइप। तो वही चीज़ है कि इनका मुद्दा इतना सीरियस है, क्योंकि ये शिक्षक हैं सर, मेन चीज़ ये है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शायद हमारे फील्ड तक नहीं है, तो उन्होंने लागत टीजीटी की है भाई, तो ये मास्टर हैं और मास्टर बनेंगे तो बड़का कितने। आप सरकारी स्कूल में देखोगे कितनी कमी है फिलहाल, अगर आप देखा मास्टर की, तो अगर इनकी भर्ती होगी तो सिर्फ इन इनका फ़ायदा नहीं है, हज़ारों बच्चों का फ़ायदा है जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं हरियाणा में। तो मेरी तो आपके थ्रू भी, आपके चैनल के थ्रू भी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि बार बार इतनी तारीख इनको मिल चुकी हैं, वो आगत आगे डिगन लग रही है सारी चीज़, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हैं बालक। बाकी दर्द आपने भी समझ लिया इनका, बात करिए तो सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी दुनियादारी। मास्टर जी राम राम। राम राम भाई साहब। अच्छा भाई देखो, ये देश का भविष्य बनाने खातर इन्होंने तैयारी करी थी, माँ बाप ने सोचा मास्टर बनाऊंगे अपने छोरे ने, और बढ़िया है देश का भविष्य ये तैयार करेंगे। फिलहाल तो सरकार ने अपोजिशन का भविष्य बिगाड़ दिया, क्या कहना चाहोगे? सर हमारी जो भर्ती थी वो फरवरी 2023 में एडवर्टाइजमेंट निकाली थी और मिड मई तक सभी सब्जेक्ट्स के पेपर कंप्लीट हो चुके थे और मिड अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी। उसके बाद अगस्त में दो छोटे छोटे केस लगते हैं जिन पर स्टे नहीं था, उसमें बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से लिख कर दिया गया कि जब तक कोर्ट इसको क्लियर नहीं करेगा मैटर को, हम इस रिजल्ट को नहीं देंगे। तो स्टे सरकार ने लिया, कोर्ट के माननीय कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद भी हमें पूर्व चेयरमैन से, अन्य अधिकारियों से जिनसे मिलते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से, तो मैं आश्वासन देते रहे भी कभी तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनवाएंगे आपका, फिर कहा कि आपको दीपावली पर मिठाई खिलाएंगे, फिर कहा कि आपका नववर्ष मनवाएंगे। तो ऐसा करते करते कोर्ट की पैरवी भी अच्छे से सरकार ने नहीं की और हम दोहरी उसमें फंस गए, दो धारी तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है अध्यापकों के ऊपर। 7471 हम परिवार हैं। अब सरकार तो वहाँ पर कोर्ट में जाकर अच्छे से पैरवी नहीं करती और विपक्ष जो है वो वकीलों की एक फौज खड़ी कर देता है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में हम फंसे हुए हैं। सरकार भी इसके लिए उतनी दोषी और इतना ही दोषी उसके लिए विपक्ष भी है, क्योंकि जो वकील खड़े करती है इन मैटर्स को उड़ जाती है तो वो विपक्ष उड़ जाता है और पैरवी नहीं करती, हमारी बात नहीं रखती, वो सरकार नहीं रखती। तो हमने फिर एक निर्णय लिया और उसके बाद फरवरी में 29 फरवरी को आप सब ने भी सुना होगा विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि 29 तारीख को हम 29,000 वैकेंसियाँ कंप्लीट कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे। बड़ी खुशी हुई थी हमें कि सरकार ने एक अच्छी घोषणा की है, लेकिन वो सपने, उन सपनों पर भी हमारे पानी फेर दिया, कोई रिजल्ट्स नहीं आया। उसके बाद 2-3 डेट और मिली, एजी साहब वहाँ पर सुनवाई पर नहीं गए, उनकी तबीयत खराब होगी, जो भी हुआ। तो अंत में फिर 19 मार्च को
पक्ष और विपक्ष की कोर्ट में बहस होती है, एक अच्छी सी और आदरणीय कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। जब जिस दिन फैसला सुनाया गया 5 अप्रैल को, फिर से उसको सरकार ने रीओपन करवा दिया। जब पक्ष विपक्ष की जिरह होने के बाद जब फैसला सुरक्षित था, तो ऐसा क्या रह गया था उसमें कि दोबारा से उस मैटर को रीओपन करवाना पड़ा? तो इसकी नीयत नहीं है, सरकार टाइम आगे खींचना चाहती है। तो उसको लेकर हम सरकार से, हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम सरकार से गुहार लगाते हैं, हम निवेदन करते हैं कि हमारा रिजल्ट दे। और हमने फिर इस एक चेतना यात्रा हमने शुरू की TGT की कोसली से पंचकुला तक। अब हम गांव-गांव जा रहे हैं, गाँव की ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उनसे मिल रहे हैं। हम पैदल यात्रा करते करते 17 अप्रैल को हम चले थे और आज हम जींद पहुँच चुके हैं। और जींद में दीपक लाठर सर की अकेडमी में हमारा बहुत स्वागत किया गया और समर्थन किया गया हमारी मांगों का। और सरकार से भी हम चाहते हैं कि हमें परेशान ना करें, हम खुद परेशान हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आप शिक्षक बन के सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा का मौका दें। समझ तो गए होगे सारी बात भाई। इसी बात पर हमने इस वीडियो में चाहे कितनी लंबी बना सका, कितनी छोटी कर सका, लेकिन बालक सच में परेशान है। मैं बंतो कटारिया जी से बोला, जो उन्हें अम्बाला से इलेक्शन लड़े हैं भाजपा के, मैं उनसे बोला मखा जी बालका की समस्या सुन लो जो नौकरी वाले हैं। बोले नहीं अभी तो हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, पहले मैं घर डोर टू डोर करूँगी। माँ जी डोर टू डोर करोगे किसके, इन्हें के घर तो जाना है, कोर्ट में सुथरी सी पैरवी कर लो इनकी, जान की जरूरत नहीं है, अकेले अकेले हंटेंगे आपके। भाई अगर अपोज सरकार का यह बात दिमाग में नहीं घुसती और उन्होंने रट्टा है इसे बात का, डोर टू डोर करांगे। अरे करोगे किस खातर, वोट मांगनी है ना, नौकरी दे दो ये वोट मांग दे हंडेंगे। अगर राजनीति में आपने यह बात नहीं सीखी तो धिक्कार ऐसी राजनीति पर। बहुत सारे मंत्री नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे अधिकारी नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने नू ही नहीं मेरा भर्ती में मामला के है। अगर एक स्टेज पर उनसे मैं सवाल पूछ लूँ ना, हवा टाइट हो जावे। सरकार फिर भी अधिकारियों ने चलानी है, अधिकारियों को थोड़ा सा आपका दबाव है, आप उनसे कह दो भाई इनकी पैरवी मजबूती तक कर कर इनकी ज्वाइनिंग दवा दो। फिर भी दिमाग में वो रट्टा मार रखा है, हमने आंदोलन, हमने रैलियां करनी है, हमने जनसभाएं करनी है, डोर टू डोर करना है। अरे आओगा कौन, ये तो आओगे, अरे ये टी शर्ट पैर का जेंगे वो थर ऐसा नहीं होगा। इवन कहते हैं TGT वाले थर तो छत्ती में सांप लोट जी है। मैं गुस्सा हो जाऊँ थोड़े ही सा इन बातों पर, लॉजिकल तो सरकार चल नहीं रही है। अगर सरकार लॉजिकल सोच लेना भाई, हम रैली करना, आंदोलन करना, जनसभा करना, किस खातर करोगे, किन तक वोट मांगोगे? मोदी साहब को 65% युवा है, अरे 65% के धूमनी दे रखी है। मैं ज़्यादा बोल जाऊँगा भाई, फिलहाल तो यह वीडियो इतनी, कोई भाई बोलना चाहोगे? सर मैं अब मैं मेरे विचार ये हैं, देखो सरकार से कि अभी जो भी अपने हम जिसके पास भी जाते हैं, हमारे MLA साहब है, MP साहब है, या हम जो भी बोलते कि मैं CM साहब से मिलवा दो, तो ये बोलते कि फिलहाल तो हम कैंपेन में बिजी हैं। मेरा उनसे निवेदन कि सर आप कैंपेन में आपने कैंपेन करना है, हमने आपका कैंपेन सफल बनाना है। जो हमारे AG साहब हैं वो ना तो आपकी कैंपेन में जाएँ, ना उनके जाने से आपका कैंपेन सफल हो। कोर्ट का काम है उनका, हमारी जब भी तारीख आती है तो आप AG साहब को बोल के हमारे से पैर भी करवा दो। कोर्ट का काम दोनों ने देखना है। अभी देखो ना तो CM साहब कोर्ट में जाके बोलेंगे, ना वो कोर्ट से बहस करेंगे वकीलों से, ना हमारे जो विधायक हैं या जो हमारे सांसद वो भी नहीं जाते। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सर, मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि जब ये बोलते हैं हमारे जैसे CM साहब बोलते हैं ना सैनी सर कि भाई हम तो इलेक्शन में बिजी, अरे सर आप बिजी हो ना, AG साहब तो बिजी नहीं है। आप कोई संतुष्ट जवाब दो कि भाई हम आए जी साहब को बोल के आपके अच्छे से सुनवाई कर, कम से कम हमें ये तो संतुष्टि मिले कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अब वो कुछ करते भी नहीं और वो ये जवाब दे देते हैं, दो टू कर देते हैं एकदम से कि हम हैं यार, हम युवा हैं। अभी बताओ हम 28 साल के लड़के, हम रोडों पर घूम रहे हैं, ये एज रोड पर घूमने की नहीं है, ये एज है देश के लिए कुछ करने की। बात तो सही है, लॉजिकल बात है भाई, बालक लॉजिकल बात करें यार। भाई कंपेनिंग आपने करनी है, इलेक्शन आपके नाम का अधिकारी है ना, कंपेनिंग थोड़ी ना करनी है। AG साहब ने तो कोर्ट में जाकर पैरवी करनी है, सैनी साहब कह दो सीधा सा उनको। अगर लॉजिक बच्चे समझ रहे हैं तो फिर टिकट इन दे दो।
क्यों भाई साहब बहुत बढ़िया तो लॉजिकल बात नहीं कर रहे मैं तो हम तो कंपेनिंग करांगे बे बच्चे की बात नहीं अरे कंपेनिंग करोगे किस खातर अरे जब बात इलेक्शन की इलेक्शन आपने लड़ना है अधिकारियों ने तो लड़ना नहीं ना एजी साहब को कोई इनकी पैरवी करें उन्हें तोड़ी तो बुखार हो जाए यार मैं फिर वो कहो जगदीप बोल रहा है ज्यादा मेरे फिर ना आपका सहन हुआ है मास्टर जी फाइनली ये है सर कि बात तो आपकी सही है छो तो उठे ही इन बात पे और लॉजिकल बात नहीं लॉजिकल बिल्कुल अब ये मैं यही तो कहूँ ना सर कि ये टीचर हैं ठीक है चलो ठीक है अभी गवर्नमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट भी पढ़ा रहे हैं इनमें से बहुत सारे तो टीचर है उसने तो हर चीज़ का पता हो ना माइनस प्लस अभी ये कितनी बढ़िया बात है इनने कही कि कहते हैं भाई इलेक्शन में बिजी हैं आप बिजी हो जिसका जो कार्य है उसका जिम्मे लगाओ ना कि भाई ठीक है हम इलेक्शन में बिजी हैं ए जी साहब को मैंने बोला है और अब की बार आपकी ठोक के पैर भी करेंगे हर बच्चे की सिर्फ एक ही डिमांड है हम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं सर मामला कोर्ट में है कोर्ट अपना डिसीजन दे दे लेकिन आप एक अच्छे से स्ट्रॉन्गली एक पैरवी तो करो ताकि हमें ये तो लगे कि भाई ये दिक्कत थी ठीक है जज साहब से तो देखो जो उनको करना वो तो करना ही और वो हमेशा सही करते हैं जी जब उनको हम भगवान का रूप मानते हैं जज साहब को तो इसमें तो कोई दुराय नहीं है लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है जी मेंटली अब ये जैसे बच्चे अपनी जेब से इतना पैसा लगा रहे हैं अब मैं इनसे बात भी कर रहा था मैं पर्सनली कई बच्चों को जानता भी हूँ इनमें से तो इतना अपनी जेब से लगा रहे हैं यहाँ से कहाँ गर्मी में सर आधा घंटा हम बाहर नहीं खड़े हो पा रहे हैं सीरियसली बात बताऊँ अगर एक आध बच्चा फील करेगा गाड़ी गाड़ी उबड़ जावे ये पैदल चल रहे हैं बेचारे बालक इतनी दूर तक फिर देख लो ये बात तो मैं तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा जी और आपके वीडियो तो लगभग जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचे हैं हमें पता है कि चलो डर तो क्या है जी जो सत्य है देखो ये भी अब मैं इनसे बात भी कर रहा था इंकलाब जिंदा बात करवा देंगे देखो ऐसा सर अच्छा काम करोगे तो चलो कुछ ना कुछ हो जावे लेकिन फिर लोग आपके सपोर्ट में भी ऐसी बात नहीं है ठीक है कल नहीं है आज आप सपोर्ट कर रहे हो तो ये भी करेंगे हर चीज का और सरकार ने भी दिखा है गलत मारी नौकरी चली जाओ कोई नहीं सामाजिक कार्य में छूट जाओगे मारी नौकरी ना जरूर हमारे साथ तो ना वो काम हो रहा है वो नहीं एक होता है कि धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का गवर्नमेंट हमारी जो लिस्ट वो लगा नहीं रही है केस कोर्ट से निकलवा नहीं रही है हम जिस भी प्राइवेट स्कूल में अपना रिज्यूम भेजते हैं ना तो उनका सबसे पहले वर्डिंग ये होती है कि भाई आपने स्क्रीनिंग दे रखा है अभी हम पजल है इस बात में कि ये बोले दे रखा है तो वो ही बोलेंगे कि गवर्नमेंट कभी भी आपकी लिस्ट लगा देगी आप तो छोड़ के भाग जाओगे और अगर हमने ये बोल दिया कि सर नहीं दे रखा तो हम जो हमारा रिज्यूम है उसमें मेंशन तो करना पड़ेगा कि हमने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है भाई हमारी ये क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन देख के फिर वो उनके पास सबके पास एक अतिरिक्त ऑप्शन होता है वो तभी ये बोल देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने या किसी कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई किया और उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी कि गवर्नमेंट ने जॉब निकाली और इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कैसे कर देगा भाई हरियाणा में देखो आज के जो युवा हैं वो रोज़गार के लिए तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं आपने एस्टेट क्वालिफाई करके और स्क्रीनिंग नहीं दिया तो सर हमारे साथ तो ये बन रहा है सरकार लिस्ट नहीं लगा रही प्राइवेट वाले हमको जॉब नहीं दे रहे अब ये बताओ हम 28 साल के युवा हैं बेरोजगार हैं घर से घर वाले भी ये सोचते हैं भाई 28 साल का हो गया है तू घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तू ही संभालेगा जी तो बताओ कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में भाई समस्याएं कई जगह है बहुत सारी जगह समस्याएं हैं मैं तो इनके बारे में और के बोलूं मैं तो इनके लिए कई जगह जा भी आया पर वही बात है जब कोई सोल्यूशन ना हो तो मेरे जाया ना जाया बराबर हो जावा है अब जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाओगी जब तो ये इनको कह देंगे भाई जगदीप ने हमारे खातर काम बहुत करा जब तक ज्वाइनिंग ना हो तो इन खातर मेरा कराया ना कराया भी बराबर है सरकार इनके बारे में सोच ले तो बहुत बढ़िया है नहीं सोचेगी तो हम की मैं कर तो सकते नहीं है भाजपा तो वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस नहीं देंगे तो भाजपा जीतेगी दोनों जगह फंसे पड़े हैं किसी को भी वोट नहीं तो तीसरी जीतेगी तो ये धर्म संगठन के लिए है सच में बिरान माटी हो रही है और स्पीचलेस मामला है 22,000 रुपये इनके अब तक चंदे में आए हैं और लोग इनाना चंदा चोर कर दें 12 जने तो गिल्ले चल रहेंगे आपने 10 किलोमीटर एक आदमी ने चलना पड़ जाए ना तो 500-700 रुपये वो खर्च कर दो आप तो आप समझो इनके पास चंदा के आ लिया होगा आप समझो इनकी मजबूरियाँ के होंगी और एक सबसे बड़ी बात ये मान लो 10-12 जने अगर हैं तो 10-12 के 10-12 ज्वाइनिंग होगी ये नहीं है ये भी तो इन्हें कट ऑफ भी नहीं बेरा
इन्होंने भी नहीं पता ये नौकरी लगेंगे कि नहीं, नौकरी तो करा कौन लगेगा कट ऑफ आने के बाद। 30,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30,000 बालक का मैं तो ये 12-15 बालक खैर चल रहे हैं, इतना दौरे पे दौरा कर रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं लोग, लेकिन क्या कन्फर्म है ये नौकरी लगेंगे? कन्फर्म है सब? कोई कन्फर्म नहीं है, हम बस ये चाह रहे हैं कि सरकार रिजल्ट दे। और एक बात, स्वार्थ नहीं है इनका कोई, सिर्फ यो है सरकार हमारा रिजल्ट काट दो, चाहे तो हम इस पल्ले चाहे उस पल्ले, नौकरी जो भी लागेगा लाग जाएगा, लेकिन हमारी यह समस्या सॉर्ट आउट हो जाए। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, धन्यवाद कर दो। धन्यवाद। तो देखो हमारी एक बेबी भी लाग रही है, सारा दिन लगे ही रहे हैं, और पूछ लेना सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कुछ नहीं है भाई, तो फादरलेस है। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी, अपने किसी लागे कमेंट बॉक्स में राय दें, बूंदी तो लाग नहीं सकती, जिनके लागेगी उनके तो कहीं और लागेगी। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।